हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। ओके, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो देखते हैं आज की इस वीडियो में, जो हमारी वीडियो है साइंस नॉलेज के हवाले से, तो इसमें हम जो किताब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं वो है केमिस्ट्री मैट्रिक क्लास के लिए फेडरल बोर्ड, ठीक है, इस्लामाबाद। इसमें सबसे पहले हम आपको दिखाते चलें के कंटेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड्स बेस एंड साल्ट्स, केमिस्ट्री इंडस्ट्री, केमिस्ट्रियल इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट, मेंटल इंडस्ट्री, वाटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री, एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो आती है वो आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन वगैरह है, यहाँ पर इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और उसके बाद वे टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। उसके बाद यहाँ पर बस इसके MCQs हैं, और यहाँ पर इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं, उसके बाद चैनल खत्म। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिड्स बेस एंड साल्ट्स, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड साल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, बेसिस की और एसिड्स की, कॉमन यूज, फार्मूला, नेम, द ब्रॉनेस्ट लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, क्लासीफाई सब्सटेंस एज एसिड्स और बेसिस और एज प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। यहाँ पर एंड काफ़ी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग है कुछ, उसके बाद लूज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ असिस्टेंट एक्सरसाइज वगैरह है कुछ यानी, और उसके बाद यहाँ पर भी उसके बाद काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं इसमें, और आई थिंक यानी काफ़ी, उसके बाद ये चैप्टर मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर ये इसकी रिव्यू एक्सरसाइज वगैरह हैं कुछ, और यहाँ से उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंडेंसेड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स, और उसके बाद आ जाता है नेमिंग अल्कनॉन्स, और उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यूजिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्फ असिस्टेंट एक्सरसाइज आ जाती है, यहाँ पर खुद को जो करनी होती है एक्सरसाइज। उसके बाद यहाँ पर इसके भी MCQs रिव्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिव्यू क्वेश्चन से बाद आ जाता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स सब में पहले हमारे ऊपर आ रहा है, सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लेने के बाद आ जाता है अल्कनीज, अल्कनीज के बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कनीज, ठीक है। अल्कनीज के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कंब्यूशन, हेलोगेनेशन, अल्कनीज आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर यानी खुद की जो एक्सरसाइज वगैरह हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ्स आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारे रिव्यू क्वेश्चंस वगैरह, उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू चैप्टर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कार्बन हाइड्रेट्स, उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन हाइड्रेट्स, उसके बाद पढ़ेंगे मोनोसैचुरेट्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे मोनोसैचुरेट्स, ओलिगस हाइड्रेट्स, पॉलीसैक हाइड्रेट्स वगैरह पढ़ेंगे इसमें ये। उसके बाद आ जाता है फैटी एसिड्स, और उसके बाद आ जाए सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ लिपिड्स, और यहाँ पर आ जाता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद डी कार्बन डाइऑक्साइड एसिड वगैरह यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं इसमें भी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इसके भी कई टॉपिक हैं, इंटरेस्टिंग है, अच्छे हैं, पढ़ने के लायक हैं। और उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास जो चैप्टर, उसका नेम है एनवायरनमेंट केमिस्ट्री वाटर, ठीक है। वो एनवायरनमेंट केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर था, और ये एनवायरनमेंट केमिस्ट्री वाटर है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हमारे पास आएगा बेसिक मैनिट्रिगल ऑपरेशंस,
कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, काफ़ी यानी प्योरिफिकेशन का यहाँ पर भी आ जाता है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स वगैरह, सॉल्वी प्रोसेस, ये होगा कोई प्रोसेस। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लास्ट और जो चैप्टर है हमारे पास वो आ जाता है हमारा लास्ट चैप्टर ही था बस ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके रिव्यू एक्सरसाइज वगैरह है, यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये बुक। तो दोस्तों कैसी लगी आपको अच्छी वीडियो, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नाउ बस हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।